Hey everyone, so welcome to my channel, this time featuring Jukaru Vlogs. ये बहुत special vlogs होने वाले हैं. इसमें हम अपने culture को, अपने tradition को highlight करने वाले हैं, जो कि बहुत पहले से highlighted है. But still, हमारे तरफ से भी कोशिश रहेगी कि अपने culture को और highlight कर सके. तो Jukaru की आज से शुरुआत है, सिल मेला है आज. कल परीद है. परीद का मतलब होता है Jukaru कल से शुरू है. मेन आज से प्रिपरेशन करेंगे, पूरियाँ वगैरह, मंडे वगैरह सब बनाएंगे. तो वो सब प्रोसेस एंड जितना कुछ आज होगा, शाम को बहुत स्पेशल स्पेशल इवेंट्स कवर किए जाएंगे. मैं आपको सब दिखाऊंगा गाइस. इन्हीं हमारे दीपू भैया हैं. हेलो. हम इनकी शॉप पे आए थे, यहाँ पे हमने लंच वगैरह किया अभी. तो तक इनके पास बैठे थे, थोड़ा ऐसा ही टाइम स्पेंड कर रहे थे. आसपास बहुत बढ़िया व्यू है यार, मैं आपको दिखाता हूँ. सो वे हेडिंग टू करेल. हम जा रहे हैं करेल. तो वहाँ पे वापस से इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे इस त्यौहार के बारे में, इसकी मान्यता के बारे में. एंड आप सबके बहुत अच्छे कमेंट्स आए. आप सब ने बोला कि हम फील कर पाए इस चजगी के त्यौहार को. तो वैसे ही मैं कोशिश करूँगा कि आपको Jukaru करीब से फील करवा सकूँ. बस आप सबका ऐसा ही ब्लेसिंग्स एंड आप सबका ऐसा ही सपोर्ट बना रहे, तो विल मेक इट गुड वन डे, होप सो. सो चलते हैं करेल. देखो गाइस, रास्ता कितना, क्या बोलूँ मैं, सही है गलत है. एक्चुअली रास्ता देखो कितना बर्फ़ से भरा है और स्लिपरी रास्ता है. अगर यहाँ पे एक बार स्लिप हुए तो बहुत ज़ोर से लगेगी यार. ये देखो नीचे तक सारा. बस पहुंचने वाले हैं करेल, बट यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाना यार. इट्स सो मेसमराइजिंग एक्चुअली. मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत हेवनली व्यू है. देखो हम करेल गांव पहुंच गए हैं. लगभग क्या, पहुंच ही गए वैसे. तो ये जो आप देख सकते हैं सामने कैमरा में, ये है यहाँ के नाग देवता का मंदिर, सोच लो आप. तो एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है इसके पीछे, बहुत ही पुरानी कहानी है. वो अगले व्लॉग में कैप्चर करेंगे. पर यहाँ पे जब भी यहाँ से Jukaru जाते हैं, किसी दूसरे गांव में Jukaru जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है चढ़ावा चढ़ाया जाता है. थोड़ा सा कह सकते हैं, हल्का सा भोग लगाते हैं यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं. जो मिल चुका है मेरे गाँव का छोटा सा दोस्त. हेलो 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 बोलो भाई. हेलो. तो काफी डरावना हेलो बोला इन्होंने. इनका नाम क्या है? शिवम. शिवम है इनका नाम. एंड ये देखो स्टैंड इस पोजीशन में बैठे हैं, स्कूल वाली. बहुत ही क्यूट बच्चा है गाइस. तो ये आ गए हम करेल. एंड अब पूछते हैं थोड़ा बुजुर्गों से और अलग अलग वर्ग की उम्र के लोगों से कि क्या मान्यता है इस त्यौहार की. एक वर्ग से पूछेंगे तो वो कुछ अलग बताएंगे, या बच्चों से पूछेंगे वो कुछ अलग बताएंगे, एंड मिडिल एज लोगों से पूछेंगे वो कुछ अलग बताएंगे. सो अलग अलग परसेप्शन से अगेन सुन लीजिए आप सब कुछ. सो गाइस, ये है पुराने ज़माने के दरवाजे एक्चुअली. तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, बहुत ठंड होती है. अभी बताया मैंने, बहुत ठंड होती है यहाँ पे. तो ऐसे बड़े बड़े दरवाजे, इवन इससे भी काफ़ी एंशियंट और पुराने दरवाजे होते हैं, बट अभी यही है. तो चलो इसको खोल के अंदर चलते हैं. अंदर से भी सेम स्ट्रक्चर है. सो देखो गाइस, अंदर से भी सेम ही होते हैं दरवाजे. तो इतने बड़े बड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कोठियाँ गर्म रखने के लिए. एंड कोठी भी कुछ ऐसी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ. उतनी पुरानी तो नहीं है यहाँ पे, बट थोड़ा सा इन लोगों ने मॉडिफिकेशन के चक्कर में पुरानी कोठी नहीं बना दी है, बट मैं आपको दिखाऊंगा. वो देखिए, मामी जी तैयारी कर रहे हैं पूरियाँ तलने की. एंड ये पूरियाँ सुबह सुबह सबके घर लेके जाते हैं यहाँ से. तो ये देखिए कोठी कुछ ऐसी होती है यहाँ पे, गर्म सर्दियों में एकदम, एंड गर्मियों में काफ़ी ठंडी होती है. देखो ये पूरियाँ तलना शुरू कर रहे हैं. लगभग इन्होंने फिनिश या फिर स्टार्ट किया अभी तो, एक्चुअली तो स्टार्ट ही किया इन्होंने अभी तो. सुबह ही लेके जाएंगे सबके घर में ये पूरियाँ, क्योंकि यहाँ पे रिचुअल है कि आप सबके घर में जाते हैं और कहते हैं तगड़े सना. ये सुबह बताएंगे हम आपको जब ये चीज़ हो रही होगी. तो ये देखिए गाइस, ये है थम. माना जाता है कि इसके साथ मर्द या जो पुरुषा कहते थे यहाँ पे, जो बहुत सारे घर के पहले लीडर होते थे या फिर जो घर के मेन आदमी होते थे, वही यहाँ बैठा करते थे थम के साथ.
तो गाइस इस जगह को कहते हैं घिंचली। यहाँ पे जो है घी और दूध वगैरह बाकी चीज़ें यहाँ पे स्टोर करके रखी जाती है गर्मी में और सर्दी में दोनों टाइम पे। तो आइए मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, इसका इजीली एक्सेसिबल लॉक। वहाँ पे अखरोट का तेल, घी और शहद और बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखी है, तो इस जगह को काफ़ी पवित्र मानते हैं। ये देखिए उसकी छत भी कुछ वैसी है। ये देखिए गाइस जो छत है यहाँ पे कोठी की वो कुछ इस तरह से होती है। ये जो आप सपोर्टिंग पिलर से देख रहे हैं इन्हें पांगी की भाषा में दार कहते हैं, एंड ये काफ़ी आगे तक फैली हैं। देखिए जहाँ भी है कोठी जहाँ तक एक्चुअली वहाँ तक ये चीज़ें फैली है, एंड यहाँ पे भी ये देखिए सपोर्टिंग पिलर से इन्हें दार कहते हैं। इनके बीच में जो है वो लकड़ी वगैरह यूज़ की गई है। रोशनदानी यहाँ पे है, थोड़ी डिफरेंस देखेंगे आप यहाँ पे। इसके नीचे जो है वो पूजा का स्थल है, तो इसे तुबारी कहते हैं। इसे भी बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है कोठी में। यहाँ पे हमें देखिए पूजा करते हैं, ये देखिए करछी भी है पूजा करने वाली। तो ये जो करछी है ट्रेडिशनल करछी है, इसे यहाँ की लैंग्वेज में कार्च कहते हैं, तो इसमें पूजा करते हैं। एंड जो रोशनदानी है इसे यहाँ की लैंग्वेज में तुबारी कहते हैं। तो अभी हम आए छोटे मामा जी के घर में, तो ये है मेरे मामी जी। हेलो मामी जी, काफ़ी शर्मीले हैं यहाँ पे। एंड भैया, और ये क्यूट सा है मेरा भांजा। तो नाम क्या आपका? तो आयाश जी, तो आपको कैसा लगता है जुकारू का त्यौहार? अच्छा लगता है आपको? अच्छा क्यों लगता है? अच्छा इसलिए अच्छा लगता है। ये हमारे भैया मामा जी के बेटे, तो अब हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इनके नज़रिए से जुकारू इन्हें कैसा लगता है और इनके लिए जुकारू की क्या मान्यता है। तो भैया बताइए जुगारू क्यों बढ़िया लगता है आपको? जुगारू हमारा त्यौहार होता है, यहाँ पर आएंगे त्यौहार भुज गया, खाना पीना होता है, 15 ही त्यौहार होता है, तो उसके बाद खुशी होती है। और बताइए जुगारू में आप क्या क्या करते हैं? बस धाम लगती है, सारे बिहार होते हैं धाम लगती है, नाले गाने लगते हैं, खुशी मिली समय ढोल लगाना पड़ते जाट लगती। तो ये है मेरी भतीजी अवनी। हेलो बोलो अवनी। हेलो। तो हम जा रहे हैं अभी एक यहाँ पे हमारे दूसरे मामा जी हैं उनके पास जा रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी कुछ पता है इस त्यौहार के बारे में और वो काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं। वैसे पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है इस त्यौहार के बारे में, ज़ुबान तो ज़ुबान होती है, बस भावनाओं की कदर होती है। पर बेसिकली उनके पास जाएंगे तो उनके पास काफ़ी अलग सा वास्ट सा नज़रिया है इस त्यौहार को लेके, तो उनसे पूछते हैं। तो अवनी चलें। चुके हैं यहाँ पे इनके घर के आगे, झुकना मुझे पड़ रहा है क्योंकि ये काफी छोटी हैं, तो इसलिए मुझे झुकना पड़ रहा है। तो अभी हम उनसे पूछते हैं इस त्योहार की मान्यता और इस त्योहार के प्रचलन के बारे में। सो लेट्स गो। तो हम पहुंच चुके हैं मामा जी के घर जहाँ पे हमने आपको बताया था कि हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो चलिए अंदर चलते हैं। मामा जी नमस्कार। मामा जी नमस्कार। तो बेहतरीन जो है ट्रेडिशनल पंगवाल ड्रेस में ये कह सकते हैं, ये हमारी शान है पांगी की। सो धन्यवाद मामा जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। आप काम कर रहे थे फिर भी आप यहाँ पे आए हमारे लिए, तो बहुत शुक्रिया दिल से आपका। तो हम आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे जो हमने और डिफरेंट जनरेशन के लोगों से भी किया है, कि आपके लिए इस त्यौहार की मान्यताएँ क्या है, पहले तो आप यही बताइए। ये त्यौहार बेसिकली जब हमारी पांगी में बहुत कम आबादी थी तो उस समय कोई संसाधन नहीं था पांगी में, आने जाने का हमारे कनेक्टिविटी कुछ नहीं थी, रोडें नहीं थी उस वक्त, यातायात के संसाधन नहीं थे। तो जो हमारे पूर्वज थे कई वर्षों पहले, तो उस वक्त एक ये जो हमारे ट्रेडिशनल एक पारंपरिक एक त्यौहार है ये, आज जैसे हमारी ये सिल बोलते हैं इसको, तो सिल से शुरुआत होती है, तो ये जुकारू पर्व जैसे कल हो गई। तो ये पुरानी मान्यता है कि ये तब उस वक्त लोगों के पास ना कोई आने जाने का रास्ते थे, ना तो कोई यातायात के संसाधन थे, गाड़ियां नहीं थी, तो पैदल लोग आया जाया करते थे, तो दूर दूर तक लोग होते थे और बड़ी कम आबादी में लोग होते थे, तो जगह बहुत ज़्यादा थी हमारे पांगे में। अब तो आबादी बहुत ज़्यादा हो गई, परंतु उस वक्त के हिसाब से हमारे पूर्वज बोलते थे कि ये उस वक्त एक दूसरे के साथ मिलते थे हम जब, तो इस त्यौहार को पारंपरिक तरीके से मनाते थे और मिलने की खुशी में एक दूसरे के गले लगते थे
और जैसा आज शील बोलते हैं और कल जुकारू पर्व होता है, तो जुकारू के दिन तो हम फिर सुबह ही तड़के जागेंगे, मीन 4 बजे उठ जाएंगे सुबह, तो सारे अपने अपने घर में, जैसे आज शील है तो आज हम सारे अपने घर में जैसे पकवान बना लेंगे तो वो आज बना के रखेंगे, तो मंडे होते हैं हमारे जो आज बना के रखे हैं, तो आज शाम को जैसे हम शील के उत्सव पे यहाँ एक बदराजा बनाते हैं, शाम को यहाँ कारीगिरी करके अपना बिल्कुल उसमें बदराजा बनाते हैं, फिर उसको शाम को हम बदराजा को हम पूरे उनको भोग देते हैं, जैसे उनको जो भी हम खुद खाते हैं वो उनको भोग देते हैं, जैसे हम मंडे हो गए, घी हो गया, मीट हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए, तो बदराजा जी को भोग देते हैं, उसके बाद ये सील बोलते हैं, और शाम को जब खाने के बाद हम फिर शाम को इस सील के उत्सव पे क्या करते हैं कि खाने खाने के बाद फिर हम चूल्हा चौका लगाते हैं, फिर उसके बाद कोई जुठन नहीं करते हैं, तो उसके बाद फिर जो हम जो कलाकारी करते हैं, जैसे कोई फूल आकृति बनाना, पुराने जो हमारे पुराने जो घर है हमारे जिसको हम कोठी बोलते हैं, उनके जो न्यास होते हैं, दार बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर जो है तो सफ़ेद सफ़ेद फूल निकालते हैं, तो उनको सिलणू बोलते हैं जी, तो सिलणू बोलते हैं, उस सिलणू जो तो हम पुरानी परंपरा पर ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं उनको, तो वो छाप देते हैं उनको फिर सारे, तो इस उत्सव को बोलते हैं सिल। तो तत्पश्चात फिर जो सुबह होती है तो जुकारू शुरू हो जाता है, क्योंकि उस पर तड़के 4 बजे उठेंगे तो हम एक दूसरे के जो अपने भयाड़ है और दूसरे गांव के और भी लोग हैं उनके घर जाएंगे, हम पकवान बनाते हैं, पकवान लेके जाएंगे, फूल होते हैं उसमें, पहले तो हम सर्वप्रथम अपने घर में ही एक दूसरे के गले लगते हैं, पाठ पूजा करते हैं, पूजा करने के तत्पश्चात होते छोटे जो बड़ा बुजुर्ग होते हैं सारे छोटे उनके पाँव छूते और उनके गले लगते हैं, तो उसको बोलते हैं हम गड़े मेड़ा, तो गड़े मेड़ा करते हैं एक दूसरे के गड़े लगते हैं, मीन वो गड़े मेड़ा बोलते हैं उसको जी। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे जो हमसे सीनियर है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग है, तो जो छोटा हो तो पहले उनके घर जाता हो, तो वहाँ पकवान लेके भी जाएगा और उनके घर जाएगा और उनके पाँव छूएंगे, फिर एक दूसरे के गले लगते हैं, तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहता है, फिर सारे गाँव में जाते हैं, पहले भयाड़ों के जाएंगे उसके बाद गाँव वालों के जाएंगे, तो ये जुकारू होता है, जुकारू के बाद फिर ये समझो हमारा 15 दिन ये मेला चलता रहता है कंटिन्यू जी। जुकारू के बाद फिर हमारा जैसे पुनही आती है, तो वो 5 दिन के बाद हम पंजालो बोलते हैं, तो हमारे भी यहाँ जो पुनही जो खेत में जाएंगे, तो उस दिन खेत में क्या करते हैं कि हम फिर बकरे बना के जाएंगे घर से अपने, बकरे और सत्तू लेके जाएंगे, तो वो बकरे और सत्तू लेके हम फिर सुबह जाएंगे, सारे जितने भी भयाड़ होते हैं अपने अपने खेत में जाते हैं, वहाँ वहाँ फिर वो भूमि पूजन करते हैं, तो उस दिन से जिस दिन हम उप नहीं बोलते हैं भूमि पूजन होता है, तो उसके बाद मान्यता है कि हमारी जो हमारे सर्दी है, जो पुराने हमारे बुजुर्ग बोलते थे जो हमारे सर्दी है वो समझो कट चुकी है, तो जिस दिन हम खेत में जाते हैं, जो यहाँ आटे के बकरे बना के ले जाते हैं, सारे जाते हैं, सारे बिहार जाते हैं, तो उसके बाद हमारे सर्दी कट जाएगी, मीन हमारे काम काज का सीजन शुरू हो जाता है, तो जिस दिन हम भूमि पूजते हैं और भूमि में जाके वो खेत में ओपन ही करते हैं, तो उसके बाद हमारा काम काज शुरू हो जाता है, मीन सर्दी सब हमारी कट जाती है, जो हमारा सर्दी का सीजन वो कट जाता है, और हमारा जो सीजनली वर्क का काम होता है, जो काम करने का कार्य शुरू हो जाता है, तो ऐसे मान लेते हैं। तो सर ये तो थी इस त्योहार की मान्यता, हम आपसे पूछना चाहेंगे इस त्योहार की शुरुआत हुई कब से थी एक्चुअली? इस त्योहार की शुरुआत अब हमारे पूर्वज थे, जैसे हमारे दादा हुए, हमारे पिताजी हुए, तो उनके अनुसार तो ये जब से हमारे पंगवाल समुदाय, पंगवाल कम्युनिटी जब यहाँ पांगी में बसी है, तो कई ईस्वी पूर्व जो है तो इसका कोई इतिहास अभी है हमारे पास, इसका लेखा है, लेखा जोखा भी है, तो जो इसका आर्टिकल है, परंतु वो जो किताबों में होगा वो संग्रहालयों में भी होगा, तो अब देखो ना जैसे इतिहास में हुए, आपको पता है कि इतिहास बनते हैं कि किस ईस्वी में कौन राजा आए, किस किसने देश द्रोह किए, किस किसने किसके अधीन कौन कौन से राजवाड़े रहे, वैसे ही परंपरा के जो हमारा त्यौहार है ये भी कई ईस्वी पूर्व से चला हुआ है, तो आप ये मान के चलो कि 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के चलो कि जब ये त्रेता द्वापर जब काल कालांतर चलते रहे हैं, अब रामायण हुई, महाभारतें हुई, तो उस सदी से लेकर के पांगी पंगवाल कम्युनिटी तो बसी हुई है,
वसनी के पंगवाल कम्युनिटी जो हमारे पंगवाल जो यहाँ के समुदाय है, यहाँ के लोग जो है तो कहीं से आज नहीं आए हुए, बड़े पुराने हैं ये बसे हुए। तो तब तादाद बहुत कम थी, आबादी बहुत कम थी, तो बहुत कम घर हुआ करते थे। जैसे करेल है तो करेल तो हमारा क्या उस वक्त कहीं एक दो साथ ही घर हुआ करते थे, वैसे हर गांव में दो दो चार चार घर हुआ करते थे। तो उस पारंपरिक तरीके से, क्योंकि उस वक्त जो है तो सर्दियां काटनी मुश्किल हो जाती थी, और जब बर्फबारी होती थी तो हमारे अक्टूबर जो फुलयात्रा मेला जाता है उसके बाद जो है तो फुलयात्रा मेला अक्टूबर 15-16 के बाद कभी भी बर्फबारी हो सकती थी पांगी में। तो इस सिलसिले को कायम रखने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए ये जकारो पर्व उस वक्त से मनाया जाता है, के ईस्वी पूर्व से मनाया जाता है, क्योंकि उस वक्त कोई संसाधन नहीं थे, न कोई टेलीकॉम सिस्टम हुआ करता था उस वक्त। तो अज्ञानता भी थी परंतु अनपढ़ता भी थी, तो लोगों में सूझबूझ थी कि उन्होंने ये एक ऐसा पारंपरिक त्यौहार बना दिया था कि जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के गले लगते थे। तो आप कह रहे थे कि यहाँ के जो गीत है, जो आजकल म्यूजिक आ रहा है, उसके बारे में आप कुछ कह रहे थे जुकारू के रिगार्डिंग। ऐसा जी, हमारे पूर्व भी जब जुकारू उत्सव पे गाना गाते थे तो पुराने गाने गाए करते थे, लेकिन हम भी, आप जैसे समझो हमने भी अपने टाइम के खुद के अपने गाने बनाए हैं, तो हम भी जुकारू उत्सव पे गाना गाते हैं। तो ये 2016 से ये गीत बनाया हुआ मैंने भी जुकारू उत्सव पे। तो गीत के बोले लगा जुकारूरा मेला हो, पांगे जुकारूरा मेला हो, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। जी जरूर। लगा जुकारूरा मेला हो, पांगे जुकारूरा मेला हो, लगा जुकारूरा मेला हो, पांगे जुकारूरा मेला हो, बच्चे बूढ़े सब मिलने जो आंदे, बच्चे बूढ़े सब मिलने जो आंदे, एक दूजे जो गले लगांदे, एक दूजे जो गले लगांदे, आंधिया सुंदर नारा हो, मेला लगा पांगिरे नारा हो, आंधिया सुंदर नारा हो, मिला लगा पांगिए धाराओ, खाने जो बनदा हलवा पूरी, खाने जो बनदा हलवा पूरी, सब दिलां दियां मिट दियां दूरी, सब दिलां दियां मिट दियां दूरी, दूर परदेस जो जाना हो, पांगी जो कारूरा मेला हो, दूर परदेस जो जाना हो, पांगी जुकारूरा मेला हो। तो ऐसे मतलब सारे गीत जो पारंपरिक गीत है, पुराने गीत हर घर में गाए जाते हैं, सब जगह गाए जाते हैं। तो अब आज के जैसे यूथ है तो वो अपने ट्रेडिशनल गीत कुछ अपने प्रकार से गाते हैं, हम अपने प्रकार से, तो हमारे बुजुर्ग कुछ अपने प्रकार से गाते थे। तो इतिहास ही गवाह है कि ये चलता रहेगा, पारंपरिक जो हमारे मेले हैं और ये कभी बंद नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे जब तक ये जीवन है, ये धरती है, कायनात है, तो ये भी हमारे जो तो पर्व चलते रहेंगे। होप सो सर, हम भी यही चाहेंगे कि ये सब चीज़ें ऐसी ही कंटिन्यू चलती रहे, ताकि जो हमारा सबसे रियल और सबसे रेयर कल्चर है वो आगे तक चलता रहे। सो थैंक यू सर आपके कोऑपरेशन के लिए, धन्यवाद। हमारे पड़ोस के मामा जी, एंड अभी हम आए अपने दूसरे मामा जी के पास जिन्होंने आपको चस्गी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। नानू भी यहीं पे है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, तो हमें और बेहतर तरीके से जानने की। अब सबकी कंप्लेन थी पिछली बार कि इस कोठी को मैंने ध्यान से दिखाया नहीं था, और गाय जहाँ रखी जाती है उस चीज को भी नहीं दिखाया था, तो अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा। ये है मंडेलू जी, आप इनको पहले भी देख चुके हैं व्लॉग में, और ये दूसरी गाय है, इनका नाम है रत्या। तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं व्लॉग में, एंड अब मैं दिखाऊंगा अंदर कैसे रहते हैं। देखिए चूरी भी है यहाँ पे, इसको कहते हैं लेस्पित, इसका नाम है लेस्पित। वैसे लेस्पित यहाँ पे बुध वीरवार को कहा जाता है, तो शायद ये वीरवार को पैदा हुई थी। एंड ये देखिए लाइट आते ही काफ़ी कॉन्शियस हो रही है, कैसे रहते हैं अंदर देखिए। इनके लिए काफ़ी गर्म बनाया होता है सर्दियों में, घास स्टोर करके रखा जाता है ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए सर्दियों के लिए यहाँ पे इन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो अगर आपके पास इतनी लकड़ियाँ नहीं है यहाँ पे तो सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
और इसे कहते हैं टन, जैसे कि वहाँ ट्री हाउसेज होते हैं या फिर सेकंड फ्लोर होता है या फिर सेकंड डेकर होता है, वैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं टन। हमारे मामी जी, आपको तो पता ही होगा, पहले भी आ चुके हैं ब्लॉग में, काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन है इनके पास। पर सबसे पहले ये अभी थोड़े से बिजी हैं, तो अभी हमारे पास मामा जी भी हैं जो पिछले व्लॉग में बहुत कम आए थे, एंड एज हमारे पास सबसे प्लस पॉइंट है हमारे नानू जी। तो हम इन तीनों से इन अलग अलग परसेप्शन से पूछना चाहेंगे इस त्यौहार की मान्यता और इसकी शुरुआत कब से हुई थी। ये हमारे नाना जी, आप तो जानते ही होंगे अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा। तो नाना जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो बहुत ही एज्ड हो गए हैं, इनकी उम्र 87 हो गई है, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इन्होंने बहुत सारे तरीके से इस त्यौहार को देखा है, बहुत पहले से इस त्यौहार को ये देखते आए हैं, मनाते आए हैं, तो इनसे पूछते हैं। तो नाना जी, क्या लगता है आपको ये त्यौहार कब से मनाया जा रहा है? ए आज चल रहा है ना, कल पारीद, अब 15 दिन तैयारी है जात्र मेले तक। हाँ जी, वैसे नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि किस सदी से मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है। वो कहीं जुबान में हो गया, कब से आज थोड़ा है, हले ऐसी जमीन थे उस वक्त टाइम भी था, त्यौहार मनाते थे, बर्फ पहनती थी, आबादी घट थी, जुकारो मेला करते थे, एक दूसरे का घर में मिलते थे, फिर टाइम पास होता था जी। तो आपको क्या फर्क नजर आता है उस समय जो जुकारू मनाया जाता था और इस समय जो जुकारू मनाया जाता है, उसमें क्या क्या अंतर है? जुकारू में फर्क क्या है उसमें? तो फर्क है, ओ, ओ, जब आबादी घर, जब इसलिए जुकारू बुलाए ना, नाम वाले कल छी उन शायद बंद जगह जगह नहीं, जिस वक्त बढ़ा कहाँ जाना था, हुनान कहाँ जाते थे, वो ढके नहीं टपते थे, इस वक्त बर्मन होते थे, राकस होते थे, इसलिए उन्होंने शायद जगह जगह बंदिश की थी, था मंत्र बाहे था, तो है एक जकारो है, जो शिवरात्रि होती उसको उस दिन राकस को बाच है, कि भाई राकस बोलते मैं क्या खाना, बोले शिवरात्रि का दिन तू जा तो पंजाब में जा तो उसे खर्चा कर, इधर बंदिश कर देते हैं, तो कारी देते थे। तो सवाल ये कि कंटा लगाते थे जी, तो सवाल ये कि उस समय जुकारू ज्यादा बढ़िया तरीके से मनाते थे या आज मनाते हैं, क्या फर्क दिख रहा है आपको? उस वक्त आबादी घाट से आजकल आबादी ज्यादा हो गई, अच्छा मेला, अच्छा जगह जगह घर, अच्छा थोड़ा पहला ऐसा टम्पेरी होता था, इतना खर्चा खाने का होता नहीं था, आजकल तो सब राशन पानी इधर खुला मिलता है पांग में, ऐसी गल है। हाँ जी, उस वक्त क्या था, वही चुके चुके पाउडर का चावल ले आना, पाउडर का पाउडर आटा ले आना, क्या क्या ले आना। ठीक है नाना जी, धन्यवाद। हाँ, हमारे मामा जी ये हैं, इनके बेटे नानू जी के बेटे हैं, तो इनकी एज भी लगभग 60+ हो चुकी है, तो इनसे भी पूछते हैं इस त्योहार की मान्यता। नमस्कार मामा जी। नमस्कार जी। तो मामा जी, इस त्योहार की मान्यता के बारे में आप थोड़ा बताइए, कब से मनाया जा रहा है इस त्योहार का, पिछले क्या पता कितने सदी हो गई। हाँ जी, मनाते आए हैं लोग पहले से, अब तो इसको मनाने लगे हैं। क्या बहुत ही बेहतरीन बात कही है इन्होंने कि बड़ा चढ़ा के मनाने लगे हैं। तो आपको कुछ फर्क नजर आता है कि पहले जुकारू कैसा मनाया जाता था, अब कैसे मनाया जाता है? अब बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग, एक दूसरे का घर में आते हैं, आराम से गले मिलते हैं। तो पहले कैसे मनाते थे? पहले भी ऐसे मनाते थे, उतना रिवाज नहीं था, अब तो बढ़ चढ़ कर जुकारू मेला मनाते हैं सब। हाँ जी, तो धन्यवाद मामा जी। मैं जो गूगल रखा जा रहा है नेचुरल धूप, इसे गूगलेट कहते हैं, गूगलेट मतलब जो इस गूगल को कैरी करके रखा है, इस तरीके का होता है, इसमें ये सब चीज़ें रखी जाती है गूगल, जो कि बढ़िया फ्रेगरेंस के काम आता है और ये बहुत ही पवित्र चीज़ होती है, इसे कहते हैं गूगलेट। और देखिए इस पर काफ़ी आर्ट एंड क्राफ्ट सा भी बने हैं, बेहतरीन चीज़ें बनी है इस पर।
एंड ये पांगी के ट्रेडिशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हर पूजा के स्थल में से काम में लाया जाता है। तो ये है पांगी के जो बहुत ही फेमस, आपने हर भजन में हर जगह सुना होगा, घी और मंडे। तो ये वो मंडे है, ये देखिए, ये बहुत ही पतले पतले बनाए जाते हैं जिस कारण से ये इतने पतले होते हैं। एंड ये वो घी है, ट्रेडिशनल घी यहाँ का, एकदम प्योर चूरी का घी है, कोई मिलावट नहीं है इस चीज़ में, जिस वजह से यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्पैन करते हैं विदाउट गेटिंग एनी हेल्थ इश्यूज़। तो इसे बदराजा यहाँ की लैंग्वेज में कहते हैं, वैसे इसे बलिराज कहते हैं। तो इसे भी यहाँ पे लगाया जाता है, इसे भी यहाँ पे क्राफ्ट किया जाता है, ये भी बहुत ही माननीय देवता कह सकते हैं यहाँ के आप पांगी के। तो इन्हें भी यहाँ दीवार पे क्राफ्ट किया जाता है और इन्हें भी भोग लगाया जाता है। आप देख सकते हैं इनके आगे भी ये मंडे और इनके आगे भी दारू की बॉटल रखी है। तो मामा जी और मामा जी साथ में बैठे हैं, तो मामा जी से हम थोड़ा सवाल अलग से पूछेंगे। तो आपके ज़माने में जो त्यौहार मनाया जाता था, जिस भावना से मनाया जाता था, तो क्या आज भी उसी भावना से त्यौहार को मनाया जाता है? हाँ जी, उसी भावना से मनाते हैं। आजकल तो पता है, पाठ पूजा चौबीस घंटे करते, दान देवते पूजा साल भर मेहनत की होते, आज से ले इस त्यौहार मनाते 15 रोज अब लगातार त्यौहार से मिलन जुलन सब कम कर, घरे काम कुछ न करते, आप एक एक जो मीत है खाते पीते मस्ती मनाते, अस तो बड़ा शौक है, जे शौक न मुझे से गुरै लाते गीत लाते भजन लाते लड़ी जाठ लगती सराजी, तो एक एक हफ्ते हफ्ते रोज जकैर गेंदे थे जै जै आप सक नाते बोलते तक तक जकैर गेंदे साल गया बच गया डत शत गया कोई चीज गया। अजकल मिलजुल के एक एक जो रल मिल के खाते पीते और किस बेल इस मतो खान पीन सुधे एक रोज एक छोस एक बोझ बल्ले एक बुराई से और तो कुछ नहीं मतो खान पीन सु बुशों सु। तो आपके लिए त्योहार क्या उम्मीद है और क्या उमंगे लेके आता है? देखिए बाली जी बाम लेती खान लेते पीन लेते बकरे बनाते बकरे आते सभी के कि आटे बकरे छुआ का मिठाई आते सत बाय का आते। मामी जी ने बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन दी, धन्यवाद मामी जी आपका। धन्यवाद। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की, अभी हम लोग जो खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो अगले रिचुअल्स है मैं आपको वो दिखा। चांद तारा का ये आएगा पहाड़ बाकी रहिए कंजा रहेगा
सो गाइस अभी हम बेड पे आ चुके हैं एंड अभी हम सोने वाले हैं क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा 5 बजे शायद 4 बजे क्योंकि इनके साथ उठ के पूरा रिचुअल कवर करना है। जो जो सारे रिचुअल्स करेंगे मुझे वो सब कवर करके आपको दिखाने हैं। तो मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट, मे बी सन एंड आउट गाइस। सो इट्स वेरी अर्ली एट 4 AM, जगा दिया इन्होंने क्योंकि रिचुअल्स शुरू हो चुके हैं। तो अब सब चीज़ें दिखानी है एंड देखो मुंह वगैरह भी नहीं धोया अभी, तो जस्ट उठे ही हैं बिस्तर पे, हियर इट इज। तो अभी जाके मुंह वगैरह धोएंगे एंड बाकी काम भी अब रिचुअल्स जो कर रहे हैं तो उन्हें भी कवर करेंगे। सो चलते हैं, गुड मॉर्निंग। हाँ वैसे तो मामा जी ने ऑलरेडी इसको बनाना शुरू कर दिया था, हम पहुँचे नहीं टाइमली, हालांकि जल्दी उठ गए थे, बट ये रिचुअल एक ही से यहाँ बनाया जाता है, ऐसे ही हर जगह बनाया जाता है। We are all set. अब यहाँ पे जो मेन रिचुअल है गले मिलने वाला वो करते हैं। मैं पहले आपको सब दिखाता हूँ फिर मैं भी इनसे गले मिलूंगा। ऑल सेट, अब मेहमान आने वाले हैं तो उनका वेलकम करेंगे सेम इसी रिचुअल के साथ। वो भी आके पहले यहाँ से जो गूगल डालेंगे आग में और करछे में, उसके बाद वो भी ऐसे ही पैर छुएंगे, छोटे बड़ों के छूते। एंड ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये ब्लॉग में, हाँ जी हाँ, बड़े छोटों के नहीं छूते। हम इंजॉय कर रहे हैं चाय एंड इसके बाद जाएंगे हम बगल वाले घर में जहाँ पे बड़े नानू हैं, जहाँ पे कल जिन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि पहले छोटे लोग जाते हैं बड़ों के घर, बाद में बड़े आते हैं छोटों के घर, तो वो नानू बड़े हैं तो पहले वहाँ जाना पड़ेगा। ये तैयार हो चुका है, ये जो पूरियाँ हैं इसके ऊपर फूल डाला है, अब इसे ढक देंगे इससे और ये बगल लेके जाएंगे, ये शगुन होता है एक्चुअली। अभी आपने देखा कि यहाँ पे आए थे लोग, अब हम जाएंगे बाहर क्योंकि अब छोटों की बारी है, जैसे भैया और भाभी जाएंगे बाहर तो हम भी उनके साथ जाएंगे और कवर करेंगे सारे इवेंट्स।
भी गए थे हम एक घर, यानी कि मेरे छोटे वाले मामा जी के पास। अब हम जाएंगे एक दो घर और उसके बाद क्विट कर देंगे, क्योंकि सेम रिचुअल चला होता है, फिर काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। तो मेन तो यही कवर करना था कि यहाँ पे होता क्या है, कैसे लोग जुगाड़ों में जाते हैं एक दूसरे के घर, कैसे लोग एक दूसरे से प्रेम भाव से गले मिलते हैं, कैसे रिचुअल्स निभाए जाते हैं। तो आई गेस वो चीज़ें दिखा दी हैं। अब दिन भर तो लोग चलते रहेंगे, दिस इज़ द सेम थिंग। आपने हमारे ट्रेडिशन में, कल्चर में काफ़ी बढ़िया चीज़ें की जाती है, कैसे मिलजुल के लोग एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहते हैं और गले मिल के जताते हैं कि हमने जो साल काफ़ी जो सर्दी वो सर्वाइव कर ली है। तो अभी तो उतनी बर्फ पड़ती नहीं है रिसेंटली जितनी पहले पड़ती थी, बट ये देखिए कितने प्यार प्रेम से सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं और इन सब का दिल से थैंक यू, मेरे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी हम सबसे धीरे धीरे पूछेंगे कि आपके लिए इस त्यौहार की क्या मान्यता है और अभी आपको कैसा फील हो रहा है। अरे भैया है, नमस्कार भैया। नमस्कार। तो पहले इनसे ही पूछेंगे आपके लिए इस त्यौहार की क्या मान्यता है और अभी आपको कैसा फील हो रहा है। मान्यता ये चीज़ है, देखो बैग पानी सारा कुछ चला है, अपना अपना सिस्टम। तो गले मिलना शुरू हुआ बस आज के बाद 15-20 दिन। तो साल को अगर अलग रख दिया जाए और जुकारू को अलग रख दिया जाए तो क्या डिफरेंस दिखता है आपको? क्या डिफरेंस दिखता है, यही तो मैं जो चीज है तो यही है जुकारू के। इसके बाद तो कोई अपना जगह होता है, कोई कहाँ होता है। ठीक है, धन्यवाद भैया। ओके गाइस, सो दिस इज़ द पॉसिबल एंड ऑफ आर व्लॉग। अब इसके बाद ये लोग जो है वो महादेव के मंदिर जाएंगे, वहाँ पे जुगारू मनाते हैं। मनाते हैं मतलब वहाँ पे जो है देवी देवता को जो है वो चढ़ाते हैं, चढ़ावा वगैरह, और वहाँ पे लोग गले मिलते हैं। ये प्रजा का एक सिस्टम है, तो वो भली भांति और बहुत ही प्रेम भाव से निभाते हैं। तो वहाँ हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरा बॉडी पेन हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली वो भी एक बहुत ही आई कैची सीन था, बट सॉरी गाइज, आई कैन अफोर्ड इट, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है पूरे बॉडी में। सो साइन इन आउट गाइज एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में, जो कि पनहेई का आएगा और घरेई का भी आएगा। सब इवेंट्स मैं कवर करने वाला हूँ इस बार जुकारू के, आप बने रहिए। सो साइन इन आउट।